Assalamualaikum, welcome to our class 8. Today we are going to start our second chapter, that is computer security and threats. Okay, these are the student learning outcomes. ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप आगे जाके इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट कैन कॉज वेरियस टाइप ऑफ डैमेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. दीज थ्रेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ओके, नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? ये वो थ्रेट्स होते हैं जो हर वक्त आपके कंप्यूटर पर मौजूद होते हैं, जैसे वायरस की फॉर्म में, एडवेयर की फॉर्म में, या वॉर्म या किसी हैकर्स की भी फॉर्म में आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम इन्हीं थ्रेट्स को और वायरस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और हम कैसे इन थ्रेट्स और वायरसेस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. अच्छा, टाइप्स ऑफ थ्रेट. थ्रेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? देर आर सेवरल कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स. सम ऑफ द मोस्ट हार्मफुल वायरसेस आर वायरस, वॉर्म, एडवेयर एंड हैकर. ये सबसे ज़्यादा वायरस की जो हैं हार्मफुल थ्रेट्स हैं. ठीक है, टाइप्स हैं. अब आ जाते हैं वायरस पे. सबसे पहले हमारे पास है वायरस. अ वायरस इज अ सॉफ्टवेयर डेट इन्फेक्ट्स अ फाइल, प्रोग्राम और द कंप्यूटर सिस्टम. These software are designed to harm a computer without the permission of a user. Virus can delete, modify, and damage files. It can also affect programs and slow down the performance of the computer system. अच्छा, normally every student has this problem. Like they say हमारे से हमारे system के अंदर virus आ गया है, या हमारे computer system की working slow हो गई है. ये सारी चीजें जो है जो हैं आपके वायरस से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं. ठीक है, ये कैसा वायरस है? वायरस या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बकायदा लिखे जाते हैं ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को स्लो किया जा सके. और कैसे स्लो डाउन किया जा सके? विदाउट हमारी नॉलेज में लाए बगैर, हमसे परमिशन लिए बगैर. जैसे हमें कोई फाइल अटैच करते हैं, ठीक है, और उन पे क्लिक करते हैं, तो वायरस क्या करेगा? वो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे, हम किसी भी नॉर्मली किसी फाइल को हमने अटैच करना है, ठीक है, उसमें हमने क्लिक किया, तो वायरस अगर हमारे उसके अंदर होगा तो वो हमारे क्लिक करने से ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा. इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की एग्जाम्पल लें तो कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर हम फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा कॉपी करने के लिए, अगर हमने उसको कंप्यूटर में लगाया है, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी वायरस एंटर है, तो वायरस खुद ब खुद कॉपी होकर आपके कंप्यूटर में ईजिली एंटर हो सकता है. ठीक है, अब जब वायरस एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या डिस्ट्रक्शन करेगा आपके पीसी के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर? ये क्या करेगा? ये आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको डैमेज करेगा, और क्या करेगा, आपकी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट कर देगा. आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होगा, वायरस क्या करेगा, उन सबको मिटा देगा और आपके कंप्यूटर की वर्किंग खुद ब खुद स्लो कर देगा. तो ये सबसे पहली थ्रेट है वायरस की. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी जो दूसरी है, वॉर्म. अ वॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टू कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये कैसा सॉफ्टवेयर है जो इसलिए बनाया गया है कि ये एक कंप्यूटर से अपने आप को कॉपी कर सके दूसरे कंप्यूटर के अंदर, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, हमारे परमिशन लिए बगैर. अनलाइक अ कंप्यूटर वायरस, अ वॉर्म कैन कॉपी इटसेल्फ ऑटोमेटिकली ओवर अ नेटवर्क वाया ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एटसेट्रा. A worm fills the entire disk with its copies and take as much space as possible in the computer memory. Worms जब enter होते हैं, जब आप internet से कब worms कब enter होते हैं, जब आप internet से connected होते हैं. computer worms के क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके PC को, आपके आपकी जो files हैं, data हैं, उन सबको? कि क्या करेगा कि आपकी सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा. आपकी वही जो वायरस का काम है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देगा. चलते चलते प्रोग्राम को, जो आप नॉर्मली अपना प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, वो चलते चलते क्या करेगा, उस आपकी एप्लीकेशन को वो बंद कर देगा. खुद ब खुद आपके
जो प्रोग्राम है वो बंद होता रहेगा, ठीक है। ये कि ये क्या वॉर्म ये काम करता है। अब आ जाते हैं हम एडवेयर के ऊपर। एडवेयर क्या करता है? एन एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन कंप्यूटर। इट ऑल्सो ट्रैक्स अ यूजर्स ब्राउजिंग हैबिट्स टू शो एडवर्टाइजमेंट्स। दिस प्रोग्राम डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ द यूजर एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। द बार्गेन बरी इज एन एडवेयर दैट डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ अनवॉन्टेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉपअप्स ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये एडवेयर का क्या काम होता है? ये वो एडवेयर के अंदर ये एक ऐसा वायरस होता है कि उसके अंदर वो ये एड्स दिखाते हैं जब आप इंटरनेट से जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें आप देखते होंगे कि आप कोई भी साइट यूज कर रहे हैं और साइट में नोटिफिकेशन के तौर पे आपके पास जो है वो एड्स पॉपअप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वो पॉपअप अपेयर होते हैं और जो एड्स की शक्ल में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एडवेयर वायरस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खुद ही एड्स चलना शुरू हो जाते हैं डाउनलोड के वक्त, या डाउनलोड के बाद एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे आपको विदाउट हमारी परमिशन के। ये देखिए, जिस तरह से ये आप कोई भी अपना प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, साथ में आपके पास इतनी सारी विंडोज एक साथ खुल जाएंगी, वार्निंग की, कॉन्ग्रेट्स, और इस तरह से मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी एड जब पॉपअप होने लगे तो ये जो है एडवेयर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, डू यू नो समटाइम्स एडवेयर बिहेव्स लाइक स्पाई सीक्रेट एजेंट एंड ट्रैक्स यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पास इट ऑन द थर्ड पार्टी विदाउट ऑथराइजेशन। दीज टाइप्स ऑफ एडवेयर आर कॉल्ड एस्पेवायर। अब क्या होता है कि जो है एडवेयर जो है वो कभी कभार हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ट्रैक कर लेते हैं, और क्या करते हैं हम विदाउट हमारी ऑथराइजेशन, विदाउट हमारी परमिशन, ये किसी थर्ड पार्टी को जो है हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इज हैकर। हैकर क्या चीज होती है? हैकिंग इज द एक्ट ऑफ एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट लीगल ऑथराइजेशन। हैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द कंप्यूटर्स। अ हैकर इज अ प्रोग्रामर हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क टू एक्सेस इट इलीगली। ही कैन स्टील और मॉडिफाई सीक्रेट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ही कैन ऑल्सो जैम द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब ये हैकर का क्या काम होता है? अगर हम बात करें हैकर्स की, तो हैकर्स वो पर्सन होते हैं जो अनऑथराइज्ड वे से हमारे डेटा को स्टील चुराने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वो ट्राई करते रहते हैं और कभी ट्राई करते करते हमारे डेटा को स्टील भी कर लेते हैं। सो डेफिनेटली इट्स एन वेरी अनएथिकल वे कि आप किसी का डेटा विदाउट उसकी परमिशन के स्टील कर लें। ये तो बहुत ही अनएथिकल वे हो गया ना। अगर अच्छा अब हम हैकिंग अच्छा अब हैकिंग हैकिंग जो होती है वो एक एथिकल तरीके से भी होती है और एक अनएथिकल तरीके से भी होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, अपने कंट्री की डेटा को सेव करने के लिए, अगर दूसरी वेबसाइट्स को अपने कंट्री की वेबसाइट पे आने से बचाते हैं, तो ये एक एथिकल वे कहलाएगा कि आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जाके देख रहे हैं कि उसमें हमारा डेटा तो नहीं शो हो रहा, तो ये क्या है? ये एक एथिकल वे है। और अनएथिकल वे की बात करें तो अगर हम किसी की वेबसाइट से उसका डेटा कॉपी करें, अपलोड कर दें, किसी के असाइनमेंट्स अपलोड कर दें, या जिस तरह से हम जो ये वीडियोस बैठ के बना रहे हैं, कोई और स्कूल वाले हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लें और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये अनएथिकल वे कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने चार थ्रेट्स पढ़ी, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की चार टाइप्स पढ़ी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के इंडिकेटर्स क्या क्या है, निशानदेही क्या है, कि हमें पता लग सके कि हाँ भाई, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो उसके लिए हमें इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए हुए। द कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल, यानी आपका कंप्यूटर पहले से ज्यादा बहुत स्लोवर करना शुरू हो जाएगा। द कंप्यूटर लॉक्स अप
और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग यानी हैंग हो जाएगा, जो प्रोग्राम आपका चल रहा है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा। द कंप्यूटर सडनली स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन यानी कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट यानी जो आप प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली हर वक्त यूज़ करते रहते हैं वो सडनली अचानक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोड होने शुरू हो जाएंगे और उनका ऑपरेट जो है जो वो ऑपरेट सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है उसका सिस्टम स्लो हो जाएगा। अनयूजुअल मैसेज एरर मैसेज अपेयर्स यानी जब आप काम कर रहे होंगे तो साइट के अंदर वही आपके पास जो हमने पॉप अप एड्स आते हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाएंगे और जो आपके पास एंटीवायरस भी जो डला हुआ होगा वो क्या होगा वो डिसेबल हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा अब आ जाते हैं इसके बाद कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस वॉर्म्स एंड एडवेयर। देर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस वॉर्म्स एंड एडवेयर सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो यानी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं वायरसेस स्प्रेड होने के वॉर्म्स और एडवेयर के उसमें हम देखते हैं जो कि हम आगे जाके इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स ईमेल अटैचमेंट्स सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे आपको आपकी ये इमेज भी दिखाई हुई है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। ठीक है ये सारे कॉजेज हैं वायरसेस के। अच्छा अब नंबर वन है हमारे पास इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स। Virus, viruses, worms and adware are commonly spread by using infected flash drives, USB drive. These software can easily enter in the computer through following ways. Attachment of infected flash drive with computer, transferring data from infected flash drive, restarting computer while infected flash drive is attached. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल मार्केट से हम कोई सीडी परचेज करके लाते हैं और वो सीडी क्या होती है वो बेसिकली इन्फेक्टेड हो सकती है लाइक उसमें वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है या डेवलपर्स जिन्होंने ये सीडी राइट की है जिन्होंने ये सीडी बनाई है उनकी तरफ से भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर सीडी के अंदर वायरसेस आ सकते हैं ताकि वो जब सीडी दूसरे कंप्यूटर के अंदर चले लोग उसको खरीदें अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें तो उसके ज़रिए हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आएँ। ठीक है ये सब इसके जरिए हो सकता है। ठीक है किसी से दूसरा एग्जांपल लीजिए किसी से हम फ्लैश लेते हैं अपने गेम कॉपी करने के लिए या डॉक्यूमेंट कुछ भी एक्स वाई कुछ भी कॉपी करने के लिए तो इससे भी चांसेस ज्यादा होते हैं वायरस स्प्रेड होने के। रिमेंबर ऑलवेज स्कैन अ फ्लैश ड्राइव बिफोर ओपनिंग इट और कॉपिंग डेटा फ्रॉम इट। जब भी आप फ्लैश ड्राइव कोई लगाएं सबसे पहले उसको आप फ्लैश ड्राइव यानी आपकी यूएसबी भी हो सकती है उसको आप सबसे पहले स्कैन कर ले हैं अपना डेटा कॉपी करने से पहले। ऑलवेज अनप्लग द फ्लैश ड्राइव आफ्टर द वर्क और जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप अपनी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव को अनप्लग कर दें अपने सिस्टम से उसको निकाल दें। ईमेल अटैचमेंट ईमेल अटैचमेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस। समटाइम्स ईमेल अटैचमेंट्स मे कंटेन हिडन वायरसेस वॉर्म्स एडवेयर एक्सेट्रा। ठीक है ईमेल अटैचमेंट का भी है ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी आपके मेल के अंदर जो है सिस्टम के अंदर वायरसेस आ सकते हैं तो वो कहाँ पे जाके हमें शो होते हैं वो हमारी जंक्स या स्पैम फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है किसी एक दूसरे पर्सन की ईमेल से वो किसी दूसरे को भेज रहा है तो क्या पता उसकी ईमेल के अंदर कोई वायरस वगैरह हो जो हमारे ईमेल जो उसने भेजी उसके साथ लग कर आ जाए तो ये ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी वायरसेस आ सकते हैं। इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर द इलीगल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस वॉर्म्स एंड एडवेयर। दीज सॉफ्टवेयर मे कॉज सीरियस डैमेजेस टू द कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ द पायरेटेड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेट वी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट और बाय फ्रॉम द मार्केट मे कंटेन वायरसेस। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग नेट पे से उठाते हैं। ठीक है और नेट पे से उठाने के बाद वो बाकायदा हमें एक विंडो भी दिखाता है कि आप ये एक अननोन पब्लिशर से ये सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर को हार्म भी कर सकते हैं। तो क्या हम इसको इंस्टॉल करें या नहीं, आप परमिशन देते हो तो वो करते हैं। जो मोस्टली बताने का मकसद ये है कि मोस्टली जो हम इंटरनेट के ऊपर से जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम लेते हैं उसके अंदर भी ये सारे वायरसेस पाए जाते हैं, और ये वायरसेस अगर हमारे कंप्यूटर में एक दफ़ा घुस जाते हैं तो ये बहुत तबाही मचाते हैं। सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, द वेबसाइट्स विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम आर कॉल्ड इनसिक्योर वेबसाइट्स। देर आर मैनी वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट विच आर नॉट कम्प्लीटली सिक्योर, यानी वेबसाइट सर्फिंग यानी ब्राउजिंग करना, मतलब हम वेबसाइट्स पे हम जाके देखते हैं कौन सी क्या वेबसाइट है, उसके ऊपर क्या मटेरियल है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि कम्प्लीटली सिक्योर्ड और सेफ नहीं होती। जब हम सर्फिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे तो उसके थ्रू भी देखिए, जैसे आप पे लिखा हुआ, दीज इनसिक्योर वेबसाइट्स में कंटेन वायरसेस वॉर्म एडवेयर एट्सेट्रा, तो उन वेबसाइट्स के थ्रू भी हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत से वायरसेस आ सकते हैं। वेन वी सर्व दीज इनसिक्योर वेबसाइट वायरसेस ऑल्सो इनएक्टिवेट, ये वायरसेस जब हम उनको अपनी वेबसाइट इनसिक्योर वेबसाइट सर्व कर रहे होते हैं तो उनके ज़रिए हम वायरस हमारे पीसी के अंदर आके एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। देर आर डिफरेंट एड बैनर्स एंड लिंक्स गिवन नॉन इनसिक्योर वेबसाइट्स विच में कंटेन वायरसेस, वेन वी क्लिक ऑन दीज लिंक्स वायरसेस वॉर्म्स एडवेयर सेक्टर ऑल्सो डाउनलोड ऑन आर कंप्यूटर, यानी किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखें तो वहाँ पे कुछ यानी टॉपिक से हट के भी बहुत सारे लिंक्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, अगर हमने गलती से उन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लिया तो समझें उसके ऊपर हमारे वायरसेस अटैक कर देते हैं। ओके, डू यू नो सर्फिंग मीन्स टू मूव फ्रॉम वन साइट टू अनदर ऑन द इंटरनेट टू सर्च अ टॉपिक इंटरेस्ट। सर्फिंग किस चीज़ को कहते हैं, कोई चीज़ ढूंढने के लिए, जैसे ऐसे गूगल के ऊपर कोई भी देखने के लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उसको ढूंढना अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के लिए, वो क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। ओके, नाउ रिमेंबर डू नॉट सर्फ दोज वेबसाइट्स विच आर नॉट वेल नोन एंड लुक सस्पिशियस। ऐसी वेबसाइट्स को सर्फ, ऐसी वेबसाइट को ब्राउज ना करें जो कि इतनी ज़्यादा फेमस ना हो, ना आप उन वेबसाइट्स के बारे में इतना जानता ज़्यादा जानते हों और वो कुछ सस्पिशियस लगें। ठीक है, नाउ एंटीवायरस, व्हाट इज एंटीवायरस, अ सॉफ्टवेयर विच प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस वॉर्म्स एडवेयर एट्सेट्रा इज नोन एज एंटीवायरस। यानी एंटीवायरस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इशू रिजॉल्व करने के लिए हम अपने पास एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं। इसका क्या काम है, इट प्रिवेंट्स डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर, इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस टू यूज़ अ कंप्यूटर विदाउट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर हर वक्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ये काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर की वो हिफाजत करता है, जो भी वायरसेस वगैरह आते हैं उन सबको वो किल कर देता है। ठीक है, वी शुड इंस्टॉल अ रिलायबल अपडेटेड एंटीवायरस एंड स्कैन द कंप्यूटर रेगुलरली। हमें एक रिलायबल अच्छा और अपडेट जो हुआ बॉस एंटीवायरस वो इंस्टॉल करना चाहिए एंड और हमें अपना कंप्यूटर रेगुलरली स्कैन करते रहना चाहिए। सेमेंटिक एमसीएफई कैस्पर्सकी एंड ईसेट ESET Nod32 आर द एग्जाम्पल ऑफ फेमस एंटी वायरसेस। ये देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है, एक इमेज यहाँ पे बनाई हुई जो कि एंटी वायरस जो है वो उसको सेव कर रहा है वायरसेस के आने से। ठीक है, वाइडली यूज एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, अब जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, फेमस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिमेंटेक। सिमेंटेक इज वन ऑफ द लीडिंग एंड ओल्डेस्ट एंटीवायरस कंपनीज। इट वॉज डेवेलप्ड इन 1982 के अंदर ये डेवेलप्ड हुआ था बाय गैरी हैंड्रिक्स ने सॉफ्टवेयर को, सिमेंटेक के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो है वो बनाया था। इट हैज टू प्रोडक्ट लाइन, सिमेंटेक एंड नॉर्टन एंटीवायरस। इन एडिशन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस वॉर्म्स
वायरसेस, वॉर्म्स, स्पीवायर एटसेट्रा। इट ऑल्सो चेक्स ईच न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। दिस फीचर इज डिजाइन टू स्टॉप न्यू फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इवन इफ दे हैवन बीन डिस्कवर्ड येट। इट डिलीवर्स अपडेट आफ्टर एवरी 5 to 15 minutes। समटाइम्स अ यूजर कैन रिसीव ओवर 200 अपडेट्स इन अ डे। इट इज इक्वली पॉपुलर बिटवीन होम एंड बिजनेस यूजर। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.24% मार्केट शेयर। ठीक है, ये सारी इससे सेमेंटिक जो सॉफ्टवेयर है इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं। इस तरह का ये आपके पास इसकी पेज पिक्चर लगाई हुई है फ्रंट, इस तरह से ये होता है। एम सी एफ ई का क्या काम होता है, ये भी एक बहुत ही मशहूर फेमस सॉफ्टवेयर है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एम सी एफ ई एंटीवायरस वॉज डेवेलप्ड बाई जॉन एम सी एफ ई इन 1987 के अंदर ये डेवेलप्ड हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वायरस चेकिंग इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड अवॉइड्स अटैक्स फ्रॉम हैकर्स एंड अदर थ्रेट्स। इट इज वन ऑफ द ओनली सॉफ्टवेयर दैट हैज टू वे फायरवॉल। एम सी एफ ई ऑल्सो हैज अ पेरेंटल कंट्रोल फीचर। ठीक है, ये सब पढ़ के ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। दिस फीचर फिल्टर्स चिल्ड्रन वेब एक्सेस, लिमिट ऑनलाइन टाइम एंड ट्रैक देयर यूसेज। इसकी एग्जाम इसकी पिक्चर ये रही एंटीवायरस की, एमसीएफई की। अब आ जाते हैं एवीजी। एवीजी स्टैंड्स फॉर एंटीवायरस गार्ड। इट इज स्टार्टेड इन 1991। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स वन ऑफ इट्स एंटीवायरस प्रोडक्ट फ्री। ए वी जी यूजेस लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अंदर लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। द फर्स्ट लेयर प्रिवेंट्स अ यूजर फ्रॉम वायरसेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट। जो इसकी पहली थ्रेट होती है वो क्या करती है, वो वायरसेस से और सिक्योरिटी थ्रेट से यूजर को बचाती है। एंड द सेकेंड लेयर प्रिवेंट्स अ यूजर फ्रॉम ओपनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल्स एंड टू विजिट सस्पिशियस वेबसाइट। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको पहले से एक नोटिफिकेशन देते हैं कि आप ये वेबसाइट सर्च करने जा रहे हो, इसके अंदर ये वेबसाइट ठीक नहीं है, इसके अंदर ये वायरसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है एवीजी, ये आपको जो सेकेंड लेयर है इसकी उसमें ये आपको नोटिफिकेशन देते रहता है और आपको बताते रहते हैं कि ये इन्फेक्टेड फाइल है। ए वी जी हैज़ अ फीचर टू चेक द लिंक्स दैट वी शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर और माई स्पेस। और हम जब हमारे पास ये ए वी जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो हम जो हैं वो ईजीली बगैर किसी खौफ के अपनी मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, गेम्स वगैरह आराम से डाउनलोड वगैरह हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए वी जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ आई होप आपको ये सब पूरा लेक्चर समझ आया हो। ख्याल रखा कीजिए अपने कंप्यूटर का, एंटीवायरस डाउनलोड करके रखा कीजिए। जो हमने इंडिकेटर्स आपको बताए हैं, पढ़े हैं हमने, उनका ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, और ऐसी वेबसाइट्स को सर्फ ना करें जो कि इतनी ज़्यादा आपको नहीं मालूम हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वेबसाइट को सर्फ करने से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। अपने कंप्यूटर को हमेशा स्कैन करके रखें, कोई भी यूएसबी ड्राइव या कुछ भी मोबाइल वगैरह जो भी आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको अच्छे से स्कैन कर लो ताकि जो किसी दूसरे के मोबाइल के अंदर या किसी दूसरे के फ्लैश ड्राइव्स के अंदर वायरसेस हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर ना हो। ठीक है, ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 32, दिस एक्सरसाइज। चूज द बेस्ट आंसर। द प्रोग्राम विच इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। अ सॉफ्टवेयर विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा वो कौन सा वायरस है जो कि अपने आप को खुद ही अपनी किसी भी फाइल की कॉपीज बनाता रहता है, वो वॉर्म कहलाता है। अ सॉफ्टवेयर डेट हैक्स द यूजर ब्राउजिंग हैबिट इज कॉल्ड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की ब्राउजिंग हैबिट यानी वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह हैक कर लेते हैं, तो उस वायरस को हम कहते हैं एडवेयर। अ वायरस कैन स्प्रेड थ्रू वाइल ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डैश। अ वायरस किसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, अगर हम जो है अपना डेटा ट्रांसफर करें तो वो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव के जरिए होता है। अ वॉर्म और वायरस कैन स्प्रेड थ्रू ईमेल, वॉर्म या वायरस ईमेल के थ्रू स्प्रेड हो सकता है,
यस बिल्कुल हो सकता है, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू स्प्रेड होता है वो। द इलीगल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश, जो इलीगल कॉपी है उसका, इलीगल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर क्या कहलाती है, यानी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की हम कोई इलीगल कॉपी बना लें तो वो एक चोरी के जमने में आती है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। द वेबसाइट विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम इज कॉल्ड, एक ऐसी वेबसाइट जिसका कोई प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम ना बना हुआ हो उनको हम कहते हैं इनसिक्योर वेबसाइट्स। द सॉफ्टवेयर विच प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इज कॉल्ड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं। टू कीप अ कंप्यूटर सेफ फ्रॉम वायरसेस वी वुड डैश इट रेगुलरली, अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए वायरसेस से हमें क्या रोजाना करना चाहिए, अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए। द प्रोफाइल्स ऑफ करंट वायरसेस इज कॉल्ड डेफिनेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक्सेल। सेमेंटिक एंटीवायरस वॉज डेवलप्ड इन 1982। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड हैकर। नाउ पेज नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, अ सॉफ्टवेयर डेट इन्फेक्ट्स अ फाइल प्रोग्राम और द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ वायरस। अ वॉर्म कैन स्प्रेड ऑन अ कंप्यूटर डैश ऑटोमेटिकली नेटवर्क। डैश डिस्प्लेस एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ द यूजर। एडवेयर, डैश स्लोस डाउन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। एडवेयर, अ पर्सन हु कैन एक्सेस अ कंप्यूटर इलीगली इज कॉल्ड अ हैकर। अ वायरस एक्टिवेट्स वैन वी ओपन एन डैश ईमेल अटैचमेंट, इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स। हाई प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फोर्सेस अ यूजर टू इंस्टॉल डैश सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सर्फिंग डैश वेबसाइट्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वायरस स्पीड। इनसिक्योर वेबसाइट्स इज अ सोर्स ऑफ वायरस स्पीड। वी कैन डाउनलोड वायरस डेफिनेशन बाय डैश एन वायरस बाय अपडेटिंग एन एंटी वायरस। द सॉफ्टवेयर विच प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस इज कॉल्ड डैश एंटी वायरस। यहाँ पे हमारा लेसन लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट ख़त्म हो गया है। आपको इन इसके काम का PDF मिल जाएगा, वो आपको अपनी फुल स्केप शीट्स के ऊपर उतारनी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।